नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जानिब से रईस वारसी हाजिर है। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि इमारतें खंडरात में तब्दील हो जाती हैं, तस्वीरें अपना आबो रंग खो देती हैं, कलियां फूल बनकर मुरझा जाती हैं, बहारें आती हैं चली जाती हैं, चांद रात की तारीख स्याही का दामन चाक करके कायनात को मुनव्वर करता है, लेकिन सुबह होते ही सूरज की किरणें उसे अपने दामन में समेट लेती हैं। इन तमाम बातों से एक चीज़ मंजर आम पर आती है कि इस दुनिया में किसी चीज़ का वजूद जावेदा नहीं है, फ़ानी है। लेकिन किसी फनकार का फ़न जो अपने शोबे को वसी और मुरस्सा करता है, रहती दुनिया तक लोग उससे फैज़याब होते रहते हैं, वो फनकार, वो फ़न लोगों के दिलों में नस्ल दर नस्ल जो है वो ज़िंदा रहता है। इसीलिए कहा जाता है हर दौर में फ़नकार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की खुशनसीबी है कि हमारे स्टूडियोज़ में बड़े सगीर पाक और हिंद की दो इतनी बड़ी शख्सियात हमारे साथ आज इस महफिल में शरीक हैं। बहुत ही हजरात, आप यकीनन उनके नाम से, उनके काम से, उनकी खिदमात से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। जहाँ जहाँ दुनिया में उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, फिल्में देखी जाती हैं, गाने सुने जाते हैं, इन फनकारों के नाम जो हैं वहाँ वहाँ तक लोगों के दिलों में जमे हुए हैं, ठहरे हुए हैं, और बहुत मोहब्बत से, बहुत एहतराम से इन शख्सियात को देखा जाता है। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ हिंदुस्तान के एक नामवर म्यूजिक डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हैं, जनाब रविंद्र जैन साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं रविंद्र जैन साहब अपने स्टूडियोज़ में। आदाब सर। रविंद्र जैन साहब एक नामवर म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत अच्छे गीत निगार, इन्होंने बहुत अच्छी शायरी की है, शायरी करते हैं बहुत अच्छी। इसके अलावा ख़ुद हैरत की बात यह कि ख़ुद बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। रविंद्र जैन साहब को इनकी आला सलाहियतों की वजह से हिंदुस्तान में बड़े से बड़ा जो अवार्ड वहाँ मौजूद है, आपको वो अवार्ड मिला है। दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी ज़बान बोली जाती है, हमारी गीत सुने जाते हैं, हमारी फिल्मों को देखा जाता है, वहाँ वहाँ से इनको अवार्ड्स मिले हैं, और अभी तक ये अपने फ़न की मश जो है वो जारी रखे हुए हैं। हम इनसे आपकी भी मुलाकात कराते हैं। और हमारे साथ जो दूसरे एक अजीम फ़नकार बैठे हैं, जनाब कुमार सक्सेना साहब, हम आपको अपने स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। सक्सेना साहब, सक्सेना साहब बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने हिंदुस्तान के बड़े नामवर फ़नकारों, जिसमें रफ़ी साहब शामिल हैं, मुकेश साहब शामिल हैं, जिसमें तिलक महमूद साहब शामिल हैं, वगैरह वगैरह, हर बड़े फ़नकार के साथ इन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया है, कंपोजिशन दी है, और तकरीबन 35 साल से इस शोबे से वाबस्ता है। हमारी खुशनसीबी है कि ये दो अजीम शख्सियात हमारे स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं, हम आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। खुश आमदीद आप दोनों हजरात को। हम अपने नाज़रीन की तारीफ जानिब से और पीटीएन की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई। मैं सबसे पहला सवाल जो है जनाब रविंद्र जैन साहब से करूँगा जी। आपकी फिल्मी दुनिया में एक बहुत बड़ी पहचान है, बहुत बड़ी शनाख्त है, आपका एक बहुत तवील सफ़र है जो आपने हिंदुस्तान में म्यूज़िक की दुनिया में और फिल्मी दुनिया में आपने तय किया है और ये मकाम हासिल किया है। मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को यह बताइए कि इसका पस मंज़र क्या है, आप किस तरह से इस शोबे में दाखिल हुए। सबसे पहले मैं पीटीएन का बेहद ममनून हूँ जिनके ज़रिए आप तक पहुँचा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के अपने तमाम सुनने वालों को जिन्होंने मेरे गाने हमेशा ही पसंद किए हैं, जिनमें ख़ास तौर से अंखियों के झरोखों से का टाइटल सॉन्ग सुन सबा सुन, हाँ जी वो भी, और घुंघरू की तरह फकीरा का मेरा गीत, वो दिल में तुझे बिठा के, लता जी का गाया हुआ, हेमलता का गाया हुआ अंखियों के झरोखों से का टाइटल सॉन्ग, और बहुत सारे गाने, हिना तो अभी इन दिनों की ही फिल्म है, राज साहब की आखिरी फिल्मों में थी वो, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मिलीजुली कहानी है, उसकी के लिए बहुत सराहा गया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज इज्जत अफजाई है कि आप तशरीफ लाए। जी हाँ। और रईस भाई से इससे पहले शेर सुन रहा था, बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने शेर सुनाए, मैं थोड़ी बहुत जो खिदमत कर चुका हूँ उसके लिए
जानी सर अख्तर साहब का एक शेर हमेशा पढ़ा करता हूँ कि अब एक आध कदम का हिसाब क्या रखें, अभी तक तो वही फासला लगे है मुझे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये फ़न का जो मैदान है इसमें कोई दावा नहीं चलता किसी का भी, न किसी की मीरास है न किसी की जागीर है। जिसने साधना की है, जिसने इल्म को हासिल किया है अपने उस्तादों के नज़दीक बैठ बैठ के, वो थोड़ा बहुत उससे वाबस्ता हुआ है, लेकिन कौन कहाँ तक पहुँच पाया है इसका अंदाज़ा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कभी एक 8 साल का बच्चा ऐसा हैरत में डाल देता है गाना गा कि लगता है कि इतने साल सीखा सब बेकार गया। तो ये मेरी फिल्में, मेरी सीरियल्स जो आपकी खदमत में अब तक आ सके हैं, आज मैं ख़ुद आपके लिए यहाँ गाने आया हूँ। 22 तारीख को यहाँ एक छोटी सी शाम है मलाबार पैलेस में, वो रईस भाई बताएंगे आपको तफसील से। मैं तो सिर्फ शेरों की और नगमों की ही आपसे बात करूँगा। तो कहाँ से शुरू करें, आप हुक्म करें। मैं मेरी पहली फिल्म जो जिससे मुझे जाना गया है वो सौदागर थी, जिसमें वो एक बंगाल की बेस्ड कहानी थी, रस्म खजूर का गुड़ बनाने वाले की कहानी। अमिताभ बच्चन, नूतन जी और पद्मा जी इसमें भूमिकाएं निभा रहे थे अपनी। उसका वो गीत बहुत पसंद किया गया, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो छाया हो, दिन हो के रात रहे, क्या बात है, तेरा मेरा साथ रहे हो, तेरा मेरा साथ रहे। और इसको अपनी आवाज से नवाजा हमारी इस सदी की बेहतरीन आवाज लता जी, क्या बात है। जिसके लिए पाकिस्तान से एक बार ऑफर भी आया था कि आप लता जी को दे दीजिए और कश्मीर ले लीजिए। क्या बात है। तो मतलब मेरा कहने का ये कि आज ऐसी आवाजें उस्ताद जी, माफ कीजिएगा कदर कलामी का जी, एक आपने बड़ा अच्छा मूड बनाया, तो दो चार मुखड़े जरा अपने पसंदीदा जो आपको पसंद हो। जब वही उस तरफ ही हम गुफ्तगू के दौरान वो भी कहते जाएंगे। गाने तो आप मेरे सुनते ही रहते हैं, मुझे बात करने का मौका नहीं मिलेगा। तो कुछ थोड़ी बहुत थोड़ी बेसुरी आवाज भी सुन ले, सुरीली आवाजों के साथ। क्या माशाल्लाह, क्या आवाज है माशाल्लाह। दुनिया जानती है इस बात को। नहीं नहीं, दुआएं करिए। मैं इससे पहले कि अपनी फिल्मों की और गीतों की बात करूं, मैं चाहूँगा कि एक मेरी कंपनी से, डीआर प्रोडक्शन हमारी अपनी कंपनी है जिससे छोटी मोटी कैसेट्स बनाते हैं, रिलीजियस भी रोमांटिक भी। तो सबसे पहले जो कैसेट मैंने इस कंपनी से बनाया, डीआर प्रोडक्शन का फुल फॉर्म है दिव्या, मेरी अहलिया का नाम, और रविंद्र मेरा, तो डीआर प्रोडक्शन है। अकीदा सबसे पहला कैसेट हमने अच्छा बनाया, जिसमें नाथ और सलाम, क्या बात है, मेहंदी हसन खान साहब की आवाज़ और हेमलता की आवाज़ में रिकॉर्ड किया। माशाल्लाह। उसकी मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा ज़रूर ज़रूर एक आध दो शेर आपकी खदमत में रखना चाहूँगा। ज़ैन नसीब, एक रुमाल या टोपी अगर मुझे दे दें तो अच्छा है। एहतराम ज़रूरी है इसको पढ़ने से पहले, मैं जानता हूँ। तो एक ख़ता पढ़ रहा हूँ पहले। जी जी, इरशाद। दो किताबें हदीस और कुरान, एक है जिस्म और एक है जान, क्या बात है, इसी सूरत मोहम्मद और अल्लाह, एक रहमत तो दूसरा रहमान। वाह 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 वाह। तो ये नात मेहंदी साहब को बहुत पसंद है, बल्कि रिहर्सल करते करते रोने लगते थे, इतने वो जज्बाती हो जाते थे। बस अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, क्या बात है, बस अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह।
फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना, ये पहली शर्त है दीदारे मुस्तफा के लिए। ये पहली शर्त है दीदारे मुस्तफा के लिए, जिगर के खून से आँखों को बावजू रखना। क्या खूब, जिगर के खून से आँखों को बावजू रखना। क्या बात है, वाँ वाँ। फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। सुभान अल्लाह। वहीं पे जाना जहाँ से जहाँ को मिलता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम अपने दिल के तकाजे नकुबकू रखना। वाह 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 वाह। सुरूर नामे मोहम्मद में मद का शामिल है। क्या बात है जनाब, सुभान अल्लाह। सुरूर नामे मोहम्मद में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मद का शामिल है, हमेशा नामे मोहम्मद लबों पे तू रखना। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अपने दिल में मदीने की आरजू रखना। क्या बात है। फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या इस तरह की नातें सजाई हैं इसमें, माशाल्लाह। हम भी है, सलाम भी है, और ये आपकी दुआओं से बहुत मकबूल हुआ है, माशाल्लाह। कितनी खूबसूरत आवाज से, मतलब आपने इसको के लिए चार चांद लगाए हैं। एक और जो आपकी दुआओं से अगर हो जाए तो मैं समझूंगा कि बड़ा काम हो गया जिंदगी में। बहुत वसी है उसका करना, तो वसत बड़ी है उसमें, और देर तलब नहीं बल्कि उम्र तलब काम है। कुरान शरीफ का पोइटिक ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। अच्छा, नौवा पारा मुकम्मल हुआ है, माशाल्लाह। और इसी भरोसे पर करता हूँ कि जब हुजूर ये कह सकते हैं कि मैं उम्मी लकब हूँ, उम्मी लकब, तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम से पढ़ बिस्म इकरा, तो उसकी एक छोटा सा पोर्शन आपकी खदमत में रखना चाहता हूँ। अलहम्दु शरीफ में, अलहम्द में उसने कहा है खुद को रब्बल आलमीन। रब्बल मुसलमीन नहीं कहा, रब्बल आलमीन, इसलिए सब कहा है सब। अलहम्द में उसने कहा है खुद को रब्बल आलमीन, गोया के सारे आलमों का पालने वाला है वो। बेशक, वाह वाह वाह। दरअसल रहमान और रहीम उसके सिफत के नाम है, माशाल्लाह। बंदों का रखवाला वही अव्वल है वो, आला है वो। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। जिस रोज होंगे हश्र में नेकी बदी के फैसले, जिस रोज पूछा जाएगा सबसे हिसाब खैर व शर, वाह वाह वाह। उस रोज का मालिक है वो, वाह वाह। उस रोज का हाकिम है वो, वाह वाह। उस रोज अपने ही किए का
पाएगा फल हर बशर, वाह वाह वाह, तुझको ही पूजें और करें तेरी मदद का आसरा, क्या बात है, तू बख्श कदमों को हमारे सीधा सच्चा रास्ता, सिराते मुस्तकीम सिराते मुस्तकीम, तू बख्श कदमों को हमारे सीधा सच्चा रास्ता, उन राहियों का रास्ता जिन पर तेरे एहसान है, वो रास्ता शामिल रहे मालिक तेरी जिसमें रजा, सुभान अल्लाह, वो रास्ता उनका न हो जिन पर हुआ तेरा गजब, वो रास्ता हरगिज न हो भटके हुओं का रास्ता, क्या बात है, तेरी निगाहों में रहे तेरी पनाहों में रहे, आमीन, आमीन कह कर मांगते हैं आज तुझसे ये दुआ, वाह वाह, आमीन कह कर मांगते हैं आज तुझसे ये दुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो आप लोग मुझे दुआ में शामिल हाल रखें, भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, काम मुकम्मल हो सके, मैंने सोचा है कि 10-10 पारे की एक सीरीज बनाऊंगा और आपकी खिदमत में रखूंगा, माशाल्लाह, अल्लाह में आपको उसमें कामयाबी अता करे, जी रे, हमारी दुआ आपके साथ है, मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ उस्ताद जी, उस्ताद रविंद्र जैन साहब, बस आप नाम से पुकारे रविंद्र जैन, रविंद्र भाई, दादा जी, आपका दिन चाहे, आप दादा कहते हैं हम लोग, हाँ दादा कहते हैं, हाँ जी, तो हमारे दादा, हाँ जी 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 भाई, आपको यकीनन जिस मकाम पर मौजूद हैं तो असाज़ा के मकाम पर मौजूद हैं और हिंदुस्तान में एक म्यूज़िक का इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते हैं आप, माशा अल्लाह, कि आपके बेशुमार शागिर्द मौजूद हैं, आपने जो काम किया है लातादाद फिल्मों में आपने काम किया है, फिर उसके बाद आपने इससे हटके जो आपने काम किया है इसमें अलिफ लैला पर जैसे आपने काम किया उसके मुतालिक जैसे तफसीलात नाज़रीन को बताइए जी, आपने म्यूज़िक से हट के जो अलिफ लैला राम का किरदार तो आप जानते हैं कितना उम्दा है और उसके बारे में इकबाल ने इतनी खूबसूरत नज्म कही आपने जरूर पढ़ी होगी और बहुत सारे लोगों ने काम किया है, तो रामायण सीरियल पाकिस्तान में भी देखा गया, श्री कृष्ण किया, उसके बाद अलिफ लैला किया, जय हनुमान किया, और ये मजहबी जो खिदमत आपको बता रहा हूँ उसमें तो मैं लगा ही हुआ हूँ, इसमें मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट इसलिए भी बहुत है कि मेरे सारे बचपन के जो मेरे दोस्त हैं बाप हैं वो अलीगढ़ के ही हैं, अलीगढ़ का मैं हूँ, अच्छा अलीगढ़, हाँ जी अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, तो ये जबान आपकी जबान की जो कुदरत है उससे अलीगढ़ वही की देन है ये, सारा बचपन उन्हीं के साथ गुजरा है, बल्कि मेरे बहुत उम्दा जो ज़िंदगी में एक आध दो सोतान में सब अलीगढ़ के मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, और मेहंदी भाई का तो जैसे मैंने बताया, ग़ुलाम अली भाई अपने सलामत नज़ाकत साहब के कलकत्ते में दीदार हुए, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि घर जब बड़ा हो जाता है तो उसमें रहने को जगह नहीं होती तो वहीं पार्टीशन हो ही जाता है, इस तो ये पाकिस्तान को मैं यही मानता हूँ कि हम तो चोली दामन की तरह है, दिलों में जो है वो पार्टीशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है, और मैं तो हमेशा एक ही शेर कहा करता हूँ कि चाहिए खूं किसी का ना जहाँ चाहिए, चाहिए खूं किसी का ना जहाँ चाहिए, ना जहाँ चाहिए हमको मुल्कों में अमनो अमा चाहिए, वाह 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 वाह, हमको मुल्कों में अमनो अमा चाहिए, इत्तेफाक़े नज़र इत्तेहादे दिलां कुछ यहाँ चाहिए कुछ वहाँ चाहिए, इत्तेफाक़े नज़र इत्तेहादे दिलां कुछ यहाँ चाहिए, कुछ यहाँ चाहिए, कुछ वहाँ चाहिए, कुछ वहाँ चाहिए, एक जरा प्यार से आप आवाज दें मांग लें फिर जो हिंदुस्तान चाहिए, वाह वाह, तो ये प्यार की सौदे में यहाँ ये आपकी हर लफ्ज से जो है मोहब्बत झलक रही है, इसको महसूस किया जा सकता है, कहना चाहता हूँ कि जो मजहबों के मराहिल पे इख्तलाफ करें मैं उनके साथ नहीं हूँ, मुझे माफ करें, वाह, जो मजहबों के मराहिल पे इख्तलाफ करें मैं उनके साथ नहीं हूँ, मुझे माफ करें, खिलाफ उनके हमेशा रहूंगा मैं, जो लोग मुझे रहीम तुम्हें राम के खिलाफ करें, बहुत खूब, अगर है बोलना मंजूर प्यार की बोली तो ज़हन व दिल के दुरुस्त आफशीन काफ करें, वाह, और
उनसे वास्ता रखो न तरह दो उनको जो कौम मुल्क में पैदा जरा शिगाफ करें। बहुत खूब, बहुत कौम मुल्क में पैदा जरा शिगाफ करें। बहुत खूब। और ये कह दो शेखो ब्रह्मन से जाके घर मेरा दयारे मेहरो वफा है यहाँ तवाफ करें। वाह 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 वाह। आपके इंतखाब को जवाब ने भी बड़े बरमला और बरमहल जो है आप अशार सुनाया आपने। अच्छा मैं आता हूँ जनाब कुमार सक्सेना की जानिब। ये बताइए कि कुमार साहब आप तकरीबन 35 साल का अर्सा हो गया है फिल्म इंडस्ट्री से आपको वाबस्तगी आपकी। तकरीबन हिंदुस्तान का कोई ऐसा मेरा ख्याल आर्टिस्ट नहीं होगा जिसके साथ जो है आपने म्यूजिक पे अपने फन का मुजाहिदा किया हो, जिसमें रफ़ी साहब शामिल हैं, मुकेश साहब शामिल हैं, तिलक महमूद साहब शामिल हैं। आप ये बताइए आपको ये 35 साल का सफ़र अपने फ़न के हिसाब से कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं बोलूँगा कि दादा के साथ हम 30 सालों के काम करते हुए, दादा जब बॉम्बे आए थे उस टाइम से मैं दादा के साथ ही साथ में, और मैं इस बात की खुशी है मुझे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दादाजी से। दादाजी दादा हम प्यार से दादा कहते हैं। और वैसे काफ़ी सालों से मैंने लाइक रफ़ी साहब के साथ जैसे था, मैं तलत जी के साथ काम किया और मुकेश जी के साथ मौका मेरा काम करने का, और काफ़ी किरदारों के साथ इनसे काम किया है लोगों के साथ में। तो 73 से यहाँ आ रहा हूँ मैं, और आज हमारा जो 22 तारीख को आप मलबार कॉलेज में, वो हम अभी नाज़रीन को उसकी तफसीलात बताएंगे। आप तो खुशनसीबी दादा के साथ संगत करने का मौका मिल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। हमारी खुशनसीबी है कि हम आपके साथ बैठे हुए हैं, और जाहिर सी बात है इतने बड़े आप उस्ताद हैं अपने फन के। आप बाकी अभी आई स्टार्टेड रिसेंटली कंपोजिंग म्यूजिक वीडियोस एंड आई एम प्रोड्यूसिंग म्यूजिक वीडियोस एंड आई एम प्रोड्यूसिंग सो मेनी कंपनीज। अच्छा, तो अभी सिलसिला नया शुरू किया मैंने एज ए एल्बम, एज ए प्रोड्यूसर। आप प्रोड्यूसर भी बहुत कामयाब माशाल्लाह जा रहे हैं आजकल हिंदुस्तान में। बड़ा जी मैंने आपका तस्करा है, बड़ा नाम है आपका। म्यूजिक वीडियोस बना रहा हूँ, फिल्में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएं नाज़रीन को हमारे जी, फिल्मों के वीडियो वगैरह के मुताबिक आप क्या किस तरह? अभी हमारा पहला वीडियो हुआ जाने जा हाँ, सोनी के लिए बनाया हमने। अच्छा, वेरी गुड। तो दिस फर्स्ट वीडियो भी मेड रिसेंटली। अच्छा, सोनी पे तो आपके जी टीवी पे आपके बड़े ड्रामे सीरियल वगैरह जी पे काफ़ी सीरियल्स में आए हैं, जिसमें म्यूजिक बनाया था। बड़ा मशहूर है ये जी हॉरर शो, टाइटल सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड किया था और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया था। नाज़रीन को सब वो पुरानी यादें जो है वो जहन में आपकी पुरानी यादें तो मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए आप 73 से अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं, मुख्तलिफ जो शहरों में आप अपने कॉन्सर्ट करते हैं, फन का मुजाहरा करते हैं, ये बताइए कि इस अरसे में तकरीबन 30 साल का अर्सा हो गया आपको यहाँ आते हुए, आप क्या समझते हैं कि मतलब जो म्यूजिक लवर्स है उनमें इजाफा हुआ है, कमी हुई है, या क्या तब्दीली आई है आप इस 30 सालों में? म्यूजिक लवर तो पहले भी थे और आज भी है, फर्क यह है कि आज म्यूजिक का एक ट्रेंड बदल गया है, ट्रीटमेंट चेंज हो गया है। अच्छा, फास्ट म्यूजिक मेलोडी कभी मरती नहीं है, कभी वो तो रूह है। आज भी आप देखिए जितने हमारे यहाँ बड़े बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं, आपने सुनो सारे गामा अंताक्षरी चल रहे हैं हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर, लेकिन लोग आज भी पुराने गाने गाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि मेलोडी बहुत पावरफुल थी, मौसीकी की रूह कहलाती है। हाँ, मौसीकी की बगैर रूह के जिस्म की जैसे कोई अहमियत नहीं ऐसे। आजकल क्या ऑर्केस्ट्राइजेशन का ज़्यादा ज़माना आ गया है, लोग ट्रीटमेंट लाइक करते हैं, बीट लाइक करते बहुत हैं। हाँ। हमारी यंग जनरेशन है तो दे ऑल लाइक ऑल दिस थिंग्स, तो बाकी लेकिन मेलोडी तो जो है वो उसकी अपनी जगह है। अच्छा, आपने खुशनसीबी है कि आपने हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े गुलकारों के साथ, कलाकारों के साथ जो है आपने म्यूजिक दिया है, उनके साथ रहे हैं जिंदगी गुजारी पूरी। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ भी काम किया मैंने। गुलाम अली साहब भी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम था। अच्छा, वैनकूवर में। वैनकूवर। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो गुलाम अली साहब और अनूप जलोटा जी। अच्छा अच्छा, मुश्ताक। तो मैं यहाँ स्पेशली बॉम्बे से बुलाया था उन्होंने हमको संगत करने के लिए। हाँ, तो आई वाज प्लेइंग कीबोर्ड एंड काफी सालों रिकॉर्डिंग बजाया, कीबोर्ड बजाया, तो गुलाम अली साहब के साथ भी प्रोग्राम था हमारा वैनकूवर में। तो मुझे बताइए इन आपकी जो आपको जो अर्सा गुजरा है फिल्मी दुनिया में, म्यूजिक में जी, कोई एक ऐसा कोई यादगार वाक़ आप सुनाएं जो आपको कभी भुलाया ना जा सके आपकी ज़िंदगी में, कोई इन फनकारों की ज़िंदगी का, अपनी ज़िंदगी का। छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ आपको। हाँ। मैं
अभी नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए रफी साहब का एक वाक्य सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे काफी मौका मिला इन लोग साथ रहने के लिए। रफी साहब को एज ए सिंगर सभी जानते हैं, हम लोग बरसों मतलब महीनों भी जानते महीनों साथ में रहते थे, तो एक दूसरे को जानने का मौका मिलता था। रफी साहब भी जो थे बड़े मजाकी आदमी थे, बहुत सॉफ्ट बोलते, बहुत धीरे से बोलते थे, बड़े मजाकी आदमी थे। तो एक बार हम लोग कोई खाने पे गए किसी के यहाँ, तो हमारे साथ में एक साहब थे, वो अमीर साहब, वो तबला बजाया करते रफी साहब के साथ में। हम लोग खाना खा रहे थे, तो सब ने खाना खा लिया, खाना खा के उठ गए लोग सब लोग। अमीर साहब फिर भी शुरू थे, वो चिकन खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो काफ़ी हड्डियों का ढेर सामने हो जाता है ना, एकदम काफ़ी जमा हो गया। तो बोले रफ़ी साहब देखिए क्या कर रहे हैं अमीर भाई अभी तक जो हैं लगे हुए इसमें। तो रफ़ी साहब गए पास में, बड़ा उनको बता रहा कॉमेडी का अंदाज क्या था, धीरे से गए कान में बोले मियाँ मज़ार बना दिया आपने। तो उनका अंदाज ये था, बड़े सॉफ्ट और बड़े चुटकुले छोड़ना बड़े बोलने वाले धीरे से, आप कैसे कई बात करेंगे भाई, ये हम ये किया वो किया ऐसा बस इतना अच्छा उसमें एक एक्सेंट खास एक्सेंट शामिल होता है। जी जी जी, आप एंजॉय करते होंगे। जी जी जी, तो अच्छा वो दादाजी आपकी जानिब आ रहा हूँ मैं, अभी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा रहे। मुझे एक सवाल जो है वो आपसे पूछना है, मेरे जहन में एक सवाल ही आया कि जैसे आप बहुत बड़े नामवर, इसमें कोई शक नहीं है, हर आदमी जानता है कि एक नामवर फनकार आप हैं, और इतनी सलाहियतें आपके अंदर भरी हुई हैं, मसलन म्यूजिक में आपने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आपने अपने बहुत बड़ा मकाम बनाया, जब संगीत आपने लिखने पर आया आपने उसमें शायरी में पोइट्री में एज ए लिरिक राइटर्स आपने अपना मकाम बनाया, जब आप गाने पर आए तो आपने उसमें अपना एक मकाम बनाया। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, इन तीनों शोबों में अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे ज़्यादा आपका पसंदीदा शोबा कौन सा है, शायरी में जी, म्यूजिक में एज ए म्यूजिशियन और एज ए सिंगर? देखिए म्यूजिक की अपनी जबान है, बेशक किसी जबान का मोहताज नहीं है, बेशक, लेकिन उसे जब हम लफ्जों का जामा पहना देते हैं तो वो दुबाला हो जाता है, उसका असर द्वादशा हो जाता है। वाह। और उसे अगर गाया ना जाए, अदा ना किया जाए तो वो जाहिर नहीं हो सकता। तो तीनों बातें आपस में, जैसे वो गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है ना, त्रिवेणी, त्रिवेणी तीनों को मिला के हम संगम कहते हैं, संगम, तो उसी तरह ये चीज़ है। लेकिन मेरी जो ट्रेनिंग हुई है एज अ वोकलिस्ट हुई है, क्लासिकल मौसीकी जो शास्त्र हमारा शास्त्रीय संगीत है उसके का विद्यार्थी रहा हूँ, शुरू से तालीम उसकी ली है अलीगढ़ से, फिर इलाहाबाद आया, जी इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर किया, उसके बाद जो संगीत का गहवारा एक बड़ी जगह है कलकत्ता, जहाँ बड़े बड़े फनकार यज्ञा होते हैं, वहाँ रह के टैगोर को स्टडी किया, बंगला गाने लिखे, बंगला गाना गाते भी हैं, हाँ जी हर जवान में गाते हैं, बंगला गाने तो बंगाली भी मेरी मादर जबान जैसी है मेरे लिए, वो भी गाता हूँ। तो फिर वहाँ से 70 से के आसपास बॉम्बे आ गया, राधे श्याम जी हमारे एक झुंझुनवाला साहब प्रोड्यूसर थे, वो बॉम्बे उनके साथ आया उनकी फिल्म लोरी करने के लिए, जिसमें लता जी ने पहली बार गाया मेरे लिए। उसके बाद सिप्पी साहब की फिल्म चोर मचाए शोर, जिसका वो गीत आपको ख्याल में अगर हो ध्यान में आपके, कभी इस पग में कभी उस पग में बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं। फिर राशि वालों से के साथ काम किया, एक गाना और था फिल्म है जी ले जाएंगे, आपको ख्याल अगर हो तो शारजाह में क्रिकेट का मैच था, वहाँ हमारे सारे लोग गा रहे थे, ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अरे रह जाएंगे ऐसे वाले देखते रह जाएंगे। ये गीत तो अब तक शादियों का नेशनल एंथम हो गया सागर। उसके अलावा कुआरों की हिम्मत बंदी आपके इस गाने से, इतना हौसला दिया आपने, शहादत में कम से कम मदद तो करता
हौसला अफजाई करता है, बहुत ज्यादा और बड़ा जिंदा दिल रहा है जो पाकिस्तान में बहुत पसंद किया गया है। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, क्या बात है, बड़ी दूर नजर आए, क्या बात है, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, क्या बात, मन में तुम ही मुस्काए, सुभान अल्लाह सुभान। उसके बाद वो गोरी तरह गाँव रहा है, मैं हूँ खुश रंग हिना प्यारी, खुश रंग हिना जिंदगानी में कोई रंग नहीं मेरे बिना, ओ मैं हूँ खुश रंग हिना। क्या क्या शाकार गीत आपने जो है वो राम तेरी गंगा मेरी के गीत सुन सबा सुन, हाँ जी सुन सबा सुन, बड़ा मशहूर, बड़ा मशहूर, उसका भी एक मुखड़ा जरा बड़ी खूबसूरत। मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, सुन सबा सुन, कितनी मिठास है इसका, है प्यार की धुन, वाह वाह वाह, सुन सबा सुन प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन चुन चुन, सुन सुन सबा सुन, क्या बात है, ये गाना बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है, प्यार की धुन। इस गाने की जो पहली लाइन है वो राज साहब की देन है, सुन साहिबा सुन की पंक्ति थी। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने जब उन्होंने सुनाया सुन साहिबा सुन, तो दूसरा मिसा मैंने फौरन उसी वक्त उसका पढ़ दिया कि तूने मुझे चुन लिया, मैंने तुझे चुन लिया तू ही मुझे चुन। शायर शायर उनकी उनकी ये तस्वीर हिना बहुत पुराना ख्वाब था उनका। अच्छा। ये तो अलग बात है कि वक्त ने वफा नहीं की, वफा नहीं की, और उनकी जिंदगी में वो मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन नेवरदलेस ये तो चलता ही आया। अब कुरान जरूरी नहीं है कि मैं सारा मुकम्मल कर पाऊँ, हमारी दुआएं है, आप देख, हो सकता है मेरा काम, मेरा बेटा आयुष्मान है या और लोग जिन इंशाल्लाह आपके हाथों ही वाबस्ता है वो उससे मुकम्मल करें, लेकिन काम किसी ने शुरू तो करना है ना, यकीन पहल करने ही वाले का दादा है, हमारा दादा ने साउथ इंडियन सिंगर है यशुदास जी, बहुत मशहूर हैं। अच्छा। दादा ने ब्रेक दिया था हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा अच्छा। और उनका वो गाना था बहुत पॉपुलर हुआ था, गोरी तेरे गांव बड़ा प्यारा, वो गाना दादा का मुखड़ा इसका भी है, क्या खूबसूरत बड़ा हिट गाना है। इसके बाद यशुदास काफी गाने गाए हैं भाई, वो सुपर हिट गाना है, गोरी तेरे गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे, आधा जवारे। ये तो मियाँ फिल्मों की बातें होती रहेंगी, फिल्म सीरियल तो मैं तो आपसे अपनी कुछ जाती बातें, कुछ व्यक्तिगत बातें, कुछ प्यार की बातें, कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें आपसे सवाल करूंगा, कुछ बातें करेंगे आपसे, हमारे साथ आए हैं उनको मैं कहूंगा कुछ जरूर जरूर जरूर। इम्तियाज साहब और खालिद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा बहुत जरूर, जिन्होंने आज यहाँ आने का मौका दिया हम लोग को, हमारे लिए ये एजाज है, पीटीएन के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए, कि हम इस वक्त मौसीकी की दुनिया के इतने बड़े दो अहम शख्सियात के साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारे नाज़रीन यकीनन महसूस हो रहे होंगे आपकी गुफ्तगू से, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे, तो हम चाहते हैं आपकी इस मौजूदगी का फायदा उठाएं, कि इसका फायदा उठाएं, और 22 तारीख को 22 तारीख को जो आपका प्रोग्राम हो रहा है उस्ताद जी का, हाँ, तो नाज़रीन ये प्रोग्राम है रविंद्र, हम लोग यहाँ कल्चर लेके आए हैं, हिंदुस्तानी कल्चर दिखाने लेके आए हैं, और चाहते हैं कि आप लोगों से गुजारिश है नाज़रीन कि आपने देखा कि कितने अहम और कितने बड़े फनकार जो है आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि अगले हफ्ते यानी कि 22 तारीख को इस महीने की
कि यहाँ पे मलाबार पैलेस में ये लोग अपना कॉन्सर्ट कर रहे हैं, अपने फन का मुजाहरा करेंगे। ये दादाजी जिन्हें हम प्यार से दादा कहते हैं, रविंद्र जैन साहब और अपने कुमार सक्सेना साहब, ये सब मौजूद होंगे यहाँ पे, तो और भी लोग हैं। और उसके साथ इन लोगों के साथ आप गुजराती की और हिंदी फिल्मों के मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं, उनका नाम है रेखा त्रिवेदी। अच्छा, वो भी होंगी? हाँ, वो परफॉर्म करेंगे। वेरी गुड। और साथ में हमारे देवेंद्र कुमार, बहुत देवेंद्र भारती भारती बहुत तबला प्लेयर हैं, प्रकर्शन बजाते हैं और रिदम वगैरह अरेंज करते हैं, वो हमारे साथ आए हुए हैं। वेरी गुड। तो नाज़रीन, आप लोगों का वहाँ पे इंतज़ार रहेगा और यकीनन आपने ये गाने सुने होंगे और लुफानंदोज हुए होंगे, और इससे अच्छे ज़्यादा गाने, जाहिर से उन्होंने हज़ारों गाने जो हैं वो तरतीब दिए हैं, म्यूज़िक दिया है उनको, और यकीनन वो सब आपने सुने हुए हैं, आपको पसंदीदा हैं। तो ये कभी कभी मौका मिलता है कि इतने बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हों, और हम लोगों की खुशनसीब है कि यहाँ मौजूद है। 22 तारीख को आप लोगों से वहाँ मुलाकात होगी, इनको हम सुनेंगे, इनको दाद देंगे, अपनी फरमाइश करेंगे, फरमाइशें सुनेंगे। यह हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। दादा की भी तरफ से मैं रही साहब आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, खुश नहीं आप लोग, और खालिद साहब, इम्तियाज साहब और जस प्रसाद जो हमारी इज माई वेरी गुड फ्रेंड, एंड श्री जी जिन्होंने हमको ये मौका दिया है। श्री जी तो यहाँ पे हमारे दोस्त में हैं, हम लोग बहुत इस प्ले मतलब कि इतना उनके पर्सनल इंप्रेशन पे हम लोग आए हैं, उनके पर्सनल इंप्रेशन पे हम लोग आए हैं। श्री जी लजीज खाना भी खिलाते हैं और गाना भी गाते हैं। एक्चुअली इनका जो रेस्टोरेंट है वो वजह वो मशहूर ही इसलिए है, अच्छे खाने से और अच्छी सर्विस की वजह से। सबसे बात वही कि श्री साहब के अखलाक, एग्जैक्टली बिल्कुल इंसान में बहुत अहमियत का है। अगर और कोई सवाल है तो जरूर पूछे, नहीं तो मैं आपसे चार में से पढ़ के अभी तो दादाजी आपसे मुझे शायरी भी सुननी है। शायरी सर आप तो सुना, मैं तो सुना था यार, आपने जो शुरू में जो कुछ बोला वो तो वैसा लग रहा था आप नस्र में नज्म पढ़ रहे हैं। आप खुद बताते, खुद बहुत अच्छा कहते हैं। इस भाई मोहब्बत है आपकी, आपकी जरा नवाजी है, बिल्कुल शेर जरा सुना दे। मोहब्बत में सियासत कैसी मिली जाए, क्या वाकया शेर सुनाया आपने? वो था कि रुख किसी और तरफ, रुए सुखन मेरी तरफ, ये मोहब्बत में मेरी जान सियासत कैसी। मैं ये चाहूंगा कि कुमार सक्सेना साहब जो है आपसे गुफ्तगू निस्बतन कम रही, और आपने भी उस्ताद जी से उतना ही जो है इस्तेफादा किया जितना मैंने किया, नाज़रीन ने किया। ऐसी बात है, उनका एक बहुत बड़ा मुकाम है, बल्कि हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूट की हैसियत है। तो यकीनन हम इनसे बहुत कुछ गुफ्तगु में सीखा और फ़ायदा उठाया। मैं आपसे जो प्रोडक्शन के मुतालिक कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शोबा है ये भी हमारी इंडस्ट्री का। तो ये बताइए कि आप जो आपका जो एक इदारा है जिसके तहत आप जो है चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूजिक के कैसेट्स बना रहे हैं, आप सीडीज बना रहे हैं, एल्बम्स? हाँ, मेरा प्रोडक्शन है मेलोडी म्यूजिक प्रोडक्शन। हाँ, जिसके अंदर हमने शुरू किया है इमॉर्टल मेमोरीज सर्किट। हम लोग शो भी शुरू कर रहे हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसमें पुरानी यादें किस तरह से प्रोग्राम थे, प्लस वी आर मेकिंग म्यूजिक वीडियोस एल्बम्स, उसमें कई तरह के हैं, रोमांटिक एल्बम्स हैं। अच्छा, कुछ भजनों के हैं, कुछ सब तरह के मिक्स। हाँ, हर तरह का। तो हम कुछ चाहते हैं, कुछ का शूटिंग यहाँ भी करना चाहते हैं, वी आर प्लानिंग शूट हियर इन न्यूयॉर्क। कुछ एल्बम्स, म्यूजिक एल्बम्स हैं रोमांटिक। अच्छा। और इसके अलावा पिक्चर मेरी अभी बना रहा हूँ, जिसको मैं जाके शुरू कर रहा हूँ एज ए प्रोड्यूसर, इंतहा। हाँ, बड़ा खूबसूरत शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो बस ये सिलसिला चल रहा है। नहीं, हमारी दुआएं हैं कि आपके इतने आपके अंदर सलाहियत है, इतना आर्ट है आपका, इतना बैकग्राउंड है पूरा, यकीन आप कामयाब होंगे। आप कुछ ऐसे इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ जो है वो आपने संगत की है, और आप एज ए म्यूजिशियंस में शामिल रहे हैं, कुछ अच्छे गाने जिनको आपने बजाने के बाद खुद बहुत ज़्यादा मज़ा लिया हो, लुत्फ़ महसूस किया हो, हमारे नाज़रीन को थोड़े से कुछ ऐसे गाने बताइए जिसमें आपने खुद जो है ना लुत्फ़अंदोज़ हुए हो आप उन गानों में, म्यूज़िक देकर, कंपोजिशन। अच्छा, अच्छा, करके साथ देकर। दादा के जितने गाने के, बहुत गाने दादा के आए थे, जो हमने दो जासूस, चोर, गीत गाते चल, सब मूवीज़ में जितना अकॉर्डिंग मेरा बजाया हुआ है दादा साथ में, क्या तो लक्ष्मीकांत तेलड़ा के साथ भी काम किया मैंने, शंकर जयशंकर के साथ काम किया, एच डी बर्मन के साथ काफ़ी गाने पॉपुलर हुए थे, मैंने कसम ली बर्मन दादा गाना था बड़ा पॉपुलर। अच्छा, चलिए अगर मैं आपसे यूँ पूछूँ जी कि आपका पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? ये कहना तो मुश्किल है क्योंकि इतने बागे, इतने फूल हैं, सबने अच्छा काम किया है, सब अपने हर हर आदमी का अपना मुकाम है और सबकी अपनी स्टाइल थी। पहले ज़माने में ये जैसे बर्मन दा थे, मदन मोहन जी थे, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, ये आर डी बर्मन, शंकर जी, सबका एक अपना अपना इनकी अपना मुकाम था, अपने इनकी म्यूजिक पता लगता था, संगीत शुरू हुआ कि भाई किसका संगीत है। दादा ने अपनी पहचान इसलिए बनाई, दादा का जो संगीत है वो एकदम अलग है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है।
तो जब भी इंडस्ट्री में आए दादा आए, दादा का नाम इसलिए बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि उन्होंने डिफरेंट म्यूजिक दिया, अपनी पहचान दी। बताया ना सारे जितने मुखड़े आजाना के बड़ा खास है, आजाना के अफसोस होता है आजकल जो संगीत चल रहा है हमारा वो सब गाना सुनने में एक से लगते हैं आप सुनेंगे। हाँ, लेकिन आपको लेकिन दादा ने क्या जो किया आपने डिफरेंट किया, दादा ने जो गाने भी सुनाए ना ये गाने हमेशा जिंदा रहने वाले, जिंदा रहने वाले, ये कभी मेलोडी इनमें इनकी जो खूबसूरती में इनकी कशिश में कशिश में फर्क आने वाला नहीं। बिल्कुल जब भी आप सुनेंगे आपको उतना ही मजा आएगा, पुराने नहीं होते जैसे हमने कहा था ना फन मरता नहीं। दादा भजन है श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, कितना लोग और दादा ने दादा क्रेडिट इस बात का जरूर दूंगा कि बहुत नए नए लोगों गवाया, जैसे आरती मुखर्जी ने गाया था अभी नोबडी नो सर, लेकिन वो कलकत्ता से थी, जसपाल सिंह, यशुदास, हेमलता, काफी सारे कितने बड़े बड़े नाम मतलब जाहिर सी बात हजारों शागिर्द मौजूद होंगे उस वक्त आपके। सुरेश पाटकर, अच्छा वो भी बेहतरीन सिंगर। हाँ दादा ने मेल वॉइसेस में तो लाजवाब, यशुदास, सुरेश पाटकर, हेमलता, आरती मुखर्जी और जितने सिंगर्स हैं काफी दादा ने सबको स्टार्टिंग। दादा मैं चाहूंगा कि आखिर में जो हमारे व्यूअर्स हैं नाजरीन है उनको कोई अपनी जानिब से कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो हमारी खुश नसीबी होगी। मैसेज यही है कि सुनने के लिए 22 तारीख को आए मलाबार पहले वो तो जरूर जो म्यूजिक लवर्स हैं जरूर पहुंचेंगे। मैं दादा से चाहता हूँ कि वो एक निमंत्रण है, एक दावत है आप सबको और बस मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो सबका प्यारा सबका अपना सबका प्यारा सबका अपना चैनल PTN, सबका प्यारा सबका अपना चैनल PTN और सबके दिल की धड़कन है ये सबके दिल का चैन। वाह वाह PTN पे यही दुआएं करे रविंद्र जैन कि रैन से बेहतर दिन हो आपका दिन से बेहतर रैन। वाह 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 सब तरफ सिर्फ मोहब्बत का राज हो दुनिया में, क्या खूबसूरत बात है। बस और मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई जज्बा नहीं है इंसान के लिए, जो अशरफुल मखलूकात है वो अगर अपनी अपनी दिशा ठीक समझ ले। और मैं समझता हूँ कि प्यार जो किसी जबान का मोहताज नहीं है संगीत के, वाह 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 वाह, संगीत के लिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये राज दिलों के खोलता है, प्राणों में अमृत घोलता है, संगीत वो जिंदा जादू है जो सर पर चढ़कर बोलता है। जादू से आप भी लुत्फंदोज हों और मेरे लिए दुआएं करें कि जो मेरी मिशंस हैं, जो मेरी हमारे और हमारे नाज़रीन की दुआएं हैं, काम करना चाहता हूँ थोड़ा बहुत आपके लिए कर पाऊँ और आपके दिलों में थोड़ी सी जगह बना पाऊँ, मैं तो इतना ही चाहता हूँ। और आखिर में खुदा हाफिज़ कहूँगा और जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अपनी कुछ गजल, कोई कोई मुखड़ा, कोई गीत जो कोई शायरी तक बात करें आप, मैं तो सारी उम्र आपके लिए गाने के लिए तैयार हूँ, मैं तो आया ही इसी काम से हूँ। आपकी शायरी नहीं सुनी जी, जैसे आपने PTN पे बरजस्ता बरमला जी और फिल्मी अशार के तो हम हैरत ज़दा हो गए, कहता रहता हूँ क्या खूब दुआएं हैं। आप हुक्म करें क्या आपकी खदमत रखूँ। नाज़रीन के लिए कुछ अशार अपने अशार को सुनाइए। चलिए एक अदल के चंद शेर इरशाद आपकी सेवा में रखता हूँ। इरशाद, जिस जगह की हो बेवफा मिट्टी उस जगह से मेरी उठा मिट्टी। क्या अच्छी जिस जगह की हो बेवफा मिट्टी उस जगह से मेरी उठा मिट्टी। बहुत खूब बाबा। एक दिन खुद ब खुद ये होना है तू तो मिट्टी में मत मिला मिट्टी मिट्टी तू तो मिट्टी में। हमने जिसको अजीज तर जाना सबसे पहले वो दे गया मिट्टी। वाह 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 वाह, अच्छा इस्तेमाल है। पहले
वो दे गया मिट्टी रंग और नस्ल की तमीज गलत रंग और नस्ल की तमीज गलत आदमी असल में है क्या मिट्टी आदमी असल में है कैसे कैसे खूबसूरत अशआर अपने अंदर छुपाए बैठी है अपने अंदर छुपाए बैठी है सारी दुनिया का फलसफा मिट्टी सारी दुनिया का आखिरी शेर कहता हूँ कैसी मुर्दा परस्त है दुनिया कैसी मुर्दा परस्त है दुनिया मर के पाती है मर्तबा क्या खूबसूरत कीजिए वाह 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 मर के पाती है मर्तबा मिट्टी फिरता कीजिए वाह 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 कैसी मुर्दा परस्त है दुनिया मर के पाती है मर्तबा मिट्टी मर के पाती है मर्तबा मिट्टी क्या बात है दोस्तों फिर मिलने की उम्मीद रखते हुए आपसे आज यही खुदा हाफिज़ कहता हूँ और कभी पाकिस्तान आपके रूबरू आऊँगा फिर आपको बहुत सारी बातें आपकी सुनूंगा और नगमे सुनाऊंगा ज़रूर शुक्रिया मैं आपका रविंद्र जैन साहब और जनाब कुमार सक्सेना साहब आप दोनों का बहुत बहुत ममनून हूँ कि आप लोग हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए और हमारे नाज़रीन को जो है इतनी खूबसूरत बातों से आपने नवाज़ा अपने फ़न से नवाज़ा हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और हमारे नाज़रीन जो है आपको दोबारा इंशाल्लाह इस टीवी पे देख सकेंगे अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़ नाज़रीन रईस वारसी को इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद बहुत बहुत शुक्रिया